आज दिन नहीं हुआ। चाहे बाबा भोलेनाथ हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, अपने आप में पावरफुल नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे देव हुए जिन्होंने राम जी की सेवा कर करके माता सीता से अजरता और अमरता का वरदान प्राप्त किया। आइए कलियुग के जागृत देव हनुमान जी महाराज के चरणों में सभी मिलकर के हनुमान जी महाराज को मनाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज जी माइक बनाने के लिए। आइए बजरंग बलि तेरा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। जय हो बजरंग बलि तेरा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। और आइए बातों की तो बात है, आइए सभी मिलकर के बाला जी महाराज को मनाएंगे कि बाबा दुनिया में तेरी बजारी हुए। पैर समेट लो। बजरंग बली तेरा क्या कहना, दुनिया में तेरी बजारी हुए। बजरंग बली तेरा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। पहली कड़ी में बताया कि जब वो लंकापति रावण माता सीता को चुरा करके लंका में ले गए तो प्रभु श्री राम भी पता नहीं लगा सके, हनुमान जी महाराज ने लगाया। कैसे लगाया? ये सात समुंदर पार गए और कटी लंका में कूद गए। ये सात समुंदर पार गए और कटी लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को चुराना क्या कहना, दुनिया में देवी हजारी भूमि, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। और जब लक्ष्मण जी को शक लगी संजीवनी बूटी बिलाने गए। लक्ष्मण जी को शक लगी संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी को शक लगी संजीवनी बूटी लाने गए। संजीवनी बूटी लाने गए। संजीवनी बूटी लाने गए। परिवती को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, परिवती को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जिलाना क्या क्या कहना। Yeah.
और भजन के अंतिम लाइन में बताया, बने बाहरी इनके सीने में प्रभु राम की मूर्ति रहती है, प्रभु राम की मूर्ति, प्रभु राम की मूर्ति रहती है, बने बाहरी इनके सीने में प्रभु राम की मूर्ति रहती है, प्रभु राम की मूर्ति रहती, प्रभु राम की मूर्ति रहती है, श्री राम प्रभु राम की वाला क्या कहना। भजन की अंतिम लाइन है, हम सभी मिलकर के बजाएंगे, बोलेंगे कि बाबा ये ही राम दीवाना क्या कहना, गुणी गाए जमाना, गुणी गाए जमाना, गुणी गाए जमाना, गुणी गाए जमाना कहना। बोले बालाजी महाराज।